तो हेलो गाइस, कैसे आई हो आप लोग? क्या आप लोग अच्छे होंगे? सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही कमाल का ट्यूटोरियल लेके आऊँ जिसका नाम है कट आउट एनिमेशन, कुछ इस तरह का वीडियो जैसे देख रहे हो गाइस। तो गाइस, कुछ इस तरह कैसे वीडियो बनाना आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट रही गाइस, आपको प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको साउंड इफेक्ट लगाना है, कैसे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देख लेंगे यहाँ से मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया। तो आपको कट आउट एनिमेशन वाली वीडियो बनाने के लिए यहाँ से वीएन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको प्ले स्टोर में वीएन एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने बाद यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर से क्लिक करके सबसे पहले आप अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें कट आउट एनिमेशन अपना ऐड करना चाहते हैं। देख लेंगे प्रॉपर तरह से, मैं यहाँ से अपनी एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो देख लेंगे यहाँ से मैंने अपनी तीन वीडियो ऐड कर लिया। तो आपको तीनों वीडियो में मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा कट आउट एनिमेशन। तो सबसे पहले हम लोग की वीडियो है, तो हम लोग की वीडियो बहुत बड़ी ऐसे है, तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करके इसको इतना छोटा कर देते हैं। तो आपको अपनी सारी वीडियो को आपको अच्छे से इसको छोटा कर लेना होगा यहाँ से। देख लेंगे कुछ यहाँ पैसे में कर लेता हूँ छोटा। इसके बाद गाइस क्या करना होगा, इस वीएन एप्लीकेशन का आपको वाटरमार्क दिखेगा, इसका वाटरमार्क आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके टाइमलाइन को आपको बड़ा कर लेना होगा यहाँ से। देख लेंगे प्रॉपर तरह से मेरा टाइमलाइन यहाँ पे कुछ इस तरह का ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको इतना ऐसे कर देता हूँ। इसके बाद गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें इसमें हमें आउट एनिमेशन आपको लगाना होगा, जूम आउट एनिमेशन। तो आपको लगाने के लिए यहाँ से कट आउट एनिमेशन लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेके इसका क्या करना होगा, बैकग्राउंड रिमूव कर लेना होगा और इसकी जो ऑब्जेक्ट इसको रहने देना होगा। तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आज पहले से मैं बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लिया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट में आपको बताऊंगा बैकग्राउंड कैसे इसका रिमूव करना है। बैकग्राउंड आप मान लीजिए रिमूव करके गैलरी में सेव कर लिए वो फोटो, तो वो फोटो ले लेंगे। तो फोटो लेने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके आपको यहाँ से वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में चलेंगे। और यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वो फोटो ले लेनी होगी जो भी बैकग्राउंड आप रिमूव किए हैं यहाँ पे। देख लेंगे मैंने यहाँ से वो फोटो में ले लेता हूँ और इस फोटो को मैं खींच के यहाँ से ऐसे खूब अच्छे से इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको अच्छे से इसको एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि अभी हम लोग की बड़ी फ़ोटो हो गई। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। देख लें कुछ इस तरह से हम लोग की फ़ोटो यहाँ पर ऐसे ऐड हो गई। और ऐड होने के बाद गाइस हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरह का आगे जाना होगा और इसको मैं थोड़ा इस वाली वीडियो पर मैं इस पर चढ़ा देता हूँ अपनी फ़ोटो, ताकि अच्छी हम लोग की ऐसे दिखे। इतना ऐसे चढ़ाने के बाद हम लोग की फ़ोटो एनिमेशन इसमें डाल देंगे। तो एनिमेशन डालने के लिए आपके यहाँ से मोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, क्लिक करने बाद यहाँ से आप कोई भी एक एनिमेशन डाल सकते हैं, जैसे आप ये वाला डालना चाहते हैं ऊपर वाला कुछ इस तरह का ऐसे। तो इसमें आपको साउंड इफेक्ट भी ऐड करना होगा, साउंड इफेक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ इस तरह का ऐसे हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से ड्यूरेशन अपना देख लेंगे, अपना टाइमिंग ऐसे सेट करने के बाद आप कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं इसको यहाँ से टाइमिंग इसका मैं थोड़ा और इसको इतना ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट ऐसे हो। होने बाद यहाँ से वाले टिक पर ऐसे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइस अब बारी आती है हम लोग की वीडियो में यहाँ से हमें क्या करना होगा, साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए। साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से प्रॉपर यहाँ पर जाना होगा, यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा होगा ऐड म्यूजिक का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन में चलेंगे। और जाने के बाद यहाँ से मैं साउंड इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसा प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं यहाँ से साउंड इफेक्ट का ऐसा लिंक ले लेता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, चूज वाले ऑप्शन में चलना होगा और यहाँ से वाले टिक पर ऐसे क्लिक करते हैं। तो इसका साउंड इफेक्ट आपकी वीडियो में कुछ यहाँ पर ऐसे ऐड हो गई। सो गाइस अब देख लेंगे हम लोग की वीडियो में प्रॉपर तरह से कट आउट एनिमेशन कुछ इस तरह का ऐसे लग के हम लोग की वीडियो बन गई। बट गाइस हम लोग का ऐसे वीडियो चल रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे चलूँगा और इस वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके इसको थोड़ा और मैं इधर आता हूँ ऐसे यहाँ पर ऐसे, और आने के बाद यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ और इस वाले पार्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइज अब देख लेंगे हम लोग का प्रॉपर तरह से कुछ इस तरह का ऐसे एनिमेशन वाली ऐसे वीडियो हम लोग की बन गई। साथ ही गाइज आप यहाँ पर भी ऐसे बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके इस पर क्लिक करके यहाँ से फोटो के ऑप्शन में चलेंगे, जो मैं यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव किया हूँ। आप वो फोटो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीका से आप ले सकते हैं, या तो आप जैसे आप यहाँ पर इस साइड आते हैं यहाँ पर देख लेंगे आपको इस वाले पार्ट पर आना होगा और ये आपको स्क्रीन शॉट लेके आपको फोटो रख लेना होगा। तो यहाँ से मैं ऑलरेडी मैं पहले से बैकग्राउंड रिमूव कर लिया हूँ, तो फोटो वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। तो मैं वो फोटो यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, ये फोटो हम लोग की है। तो इसको मैं सबसे पहले इसको मैं खींच के यहाँ पर ऐसे बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। देख लेंगे कुछ यहाँ पर ऐसे हम लोग की फ़ोटो प्रॉपर तरह से ऐसे लग जाएगी यहाँ पर ऐसे। तो थोड़ा और आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो अपना कर लीजिएगा यहाँ पर ऐसे। तो देख लेंगे प्रॉपर तरह से यहाँ से फोटो हम लोग की लग गई। इसके बाद गाइस क्या करना होगा, हमें इसको पकड़ के आपको अपना बैकग्राउंड कुछ इस तरह का ऐसे आपको यहाँ पर बड़ा कर लेना हो यहाँ से। तो मैं यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे हो गया।
इसके बाद गाइस क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे हो गया इसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना होगा। तो मोशन वाले ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ से मैं कोई ई एल आई ऐड कर लेता हूँ, या आप देख लेंगे ई एल आई सही है एकदम, तो एक नंबर का ऐसे। इसके बाद इसका ड्यूरेशन अपने हिसाब से उसको सेट कर लेंगे कुछ इस तरह का, ऐसे हो गया हम लोग का ड्यूरेशन। होने के बाद गाइस अब इसको टाइम लाइन के हल्का इसको छोटा कर लेंगे। इसके बाद गाइस इसमें भी हमें साउंड इफेक्ट ऐड करना होगा, तो यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके म्यूजिक वाले ऑप्शन में चलेंगे और इसमें भी हम लोग अपनी साउंड इफेक्ट यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ चूज वाले ऑप्शन पर चलने के बाद, और यहाँ से वाले टिक पर कर देता हूँ। तो ये सारे का लिंक आपको, साउंड इफेक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देख लेंगे यहाँ से कुछ इस तरह का ऐसा हो गया, और मैं इसको ये हम लोग का बड़ा है तो यहाँ से स्प्लिट कर देंगे और इस वाले पार्ट को हमें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने बाद गाइस आप देख लेंगे हम लोग की जो वीडियो है प्रॉपर तरह से कुछ इस तरह का ऐसे बन गई, और इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका बैकग्राउंड आपको कैसे रिमूव करना है, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। सो गाइस बैकग्राउंड फोटो का रिमूव करने के लिए यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ से सर्च कर लेना होगा बीजी रिमूव करके एक वेबसाइट है, आपको इस पर से क्लिक कर देना होगा और जो आपको फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा यहाँ से। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख लेंगे अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। ऐसे ब्राउजर वाले ऑप्शन में चलेंगे और जाने के बाद अपने फोल्डर में जाने के बाद जिस फोल्डर में आपका जिस फोटो को अपना रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में का जो फोटो रहेगा स्टार्टिंग में आने के बाद स्क्रीन शॉट ले लेंगे। जैसे मेरा ये स्क्रीन शॉट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जैसे मेरा ये वाला, इसको रिमूव करने के लिए जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का ऐसे अपलोडिंग लेगा, और अपलोडिंग लेने के बाद ऑटोमेटिक इसका यहाँ से आपका बैकग्राउंड प्रॉपर तरह से ऐसे रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे हो गया यहाँ पर इसका बैकग्राउंड, इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देते हैं, देख लेंगे ये डाउनलोड हो गया। तो गाइस कुछ इस तरह से करके अपनी वीडियो को अच्छा बना लेंगे। सो गाइज आई होप कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो कट आउट इफेक्ट एनिमेशन वाली वीडियो बनाना सीखूंगा गाइज, क्योंकि मैंने इस वाली वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीका से बताया। सो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।